दोस्तों स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप आज आपको मध्य प्रदेश के लिए SC ST अधिनियम, जिसको हम अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कहते हैं, उसको लेकर के उसके सारे डाउट, क्योंकि MPPCS का आपका एग्जाम है और उसमें जो है ये तीन एक्ट पूछता है, जिसमें एक एक्ट ये SC ST एक्ट 1989 है, इसके अलावा सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट भी पूछता है। तो दोस्तों ये तीनों एक्ट को समराइज वे में और ऐसा पढ़ाऊंगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो आज सबसे पहले एक्ट की बात करेंगे हम, SC ST एक्ट जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये जो MPPCS में पूछा जाता है दोस्तों, 2018 फरवरी में भी एग्जाम हुआ था, उसमें प्री में इन तीनों एक्ट से मिलाकर के बहुत क्वेश्चन आए थे दोस्तों। इतने क्वेश्चन आए थे कि अगर किसी ने ये तीन एक्ट पढ़े होंगे और उसका GS का थोड़े क्वेश्चन भी ठीक हो गए होंगे तो वो प्री पास कर गया होगा बहुत आराम से। तो दोस्तों हम लोग इसको जरा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। आपको मालूम है दोस्तों 2018 के अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उसके बाद से घटनाक्रम चालू हुआ और ये और ज़्यादा लाइमलाइट में, प्रकाश में आया। तो हम लोग उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये एक्ट के बारे में। आपको डीपली नॉलेज दूंगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए दोस्तों, इसलिए मेरे साथ बने रहिए और रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि इसमें आपको कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो नहीं समझ में आई, मैं उस पर एक और वीडियो बना करके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी एक बार देख लीजिए। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले जो लिखा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, देखिए दो शब्द हैं दोस्तों इसमें। सबसे पहला क्या है, अनुसूचित जाति, और दूसरा क्या है, अनुसूचित जनजाति। अब देखिए ये थोड़ा सा सुनने में बना, ये आप लोग कई बार आप लोग को लगता होगा एक ही जैसा तो है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। अगर एक जैसा है तो सरकार दोनों के लिए अलग अलग आरक्षण की पोस्ट क्यों निकालती है ना। एक बार समझिए सारी चीजों को, एक बार समझ लीजिए डीपली, ताकि कभी कोई क्वेश्चन लाइफ टाइम में गलत ना हो और कोई पूछे तो आप जवाब देने के लायक रहें। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले क्या है कि लिखा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ये जाति, जाति तो जाति का मतलब सीधा सीधा है, जो हम नाम के साथ टाइटल्स लगा रहे हैं वही हमारी जाति को दर्शाता है कि हम किस जाति से रिलेटेड हैं। आज लोग तमाम लगा देते हैं, दूसरे दूसरे टाइटल भी लगा लेते हैं, ऐसा होता है, लेकिन दोस्तों ये तो सीधे सीधे जाति को प्रदर्शित करता है। लेकिन अनुसूचित जनजाति, जनजाति जो है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइब्स। क्यों? ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, या ये मान के चलिए जो जंगलों में निवास करते हैं, जो आदिवासी क्षेत्र में निवास करते हैं, उनको कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कोई निश्चित वो नहीं है कि नाम के साथ टाइटल लगा लिया तो ST हो गया, ऐसा नहीं है। ये उनके मुख्य, वो जो जंगलों में रहते थे या आदिवासी क्षेत्रों में निवास करते थे, ऐसे लोग जिनका समाज से जुड़ाव नहीं था, बिल्कुल अलग थे समाज से, ऐसे लोगों को ST में डाला गया था, ऐसे लोगों को डाला गया था। आज वो समय दर समय बदलता चला गया, क्योंकि अब जंगल ही नहीं रहे, उतने ज़्यादा जंगल नहीं है, तो कुछ जातियाँ शहर में आ गई होंगी, कुछ गाँव में आ गई होंगी, धीरे धीरे वो जुड़ता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका इसका मतलब जाति से नहीं है, ये जो है आदिवासी क्षेत्र से रिलेटेड है, और ये तो जाति शब्द है अपने आप में, इनके साथ जो लगाते हैं हम वो, ठीक। अब दोस्तों ये तो एक सिंपल सी बात थी, जो अब इसमें मुख्य चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो क्या है, कि जो आपका एक क्वेश्चन बनता है यहीं से आपको मैं क्वेश्चन बताते चलूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत आसान भी पूछे जाते हैं और बहुत घुमा करके बहुत कठिन क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन क्या है, सबसे आसान क्वेश्चन पूछता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। एक क्वेश्चन तो मैंने देखा, बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ, इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है, इस लाइन से इस शब्द से एक क्वेश्चन बना था, अत्याचार निवारण है या कुछ और है, चार ऑप्शन देगा घुमा करके, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अत्याचार निवारण है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज है, ठीक है, अत्याचार है, एट्रोसिटीज कहते हैं इंग्लिश में, उसके निवारण के लिए, उसको रोकने के लिए यह अधिनियम है कि वो अत्याचार ना हो, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस अधिनियम को जो शक्ति पूरी मिलती है वो भी कहां से मिलती है, वो भी जो है अनुच्छेद, जो हमारा समता का अधिकार है, उसके जो
वहां पे दिए गए हैं वो समता के अधिकार में ही इसकी जो है पूरी व्यवस्था की गई है। वहां पे आपने देखा होगा अनुच्छेद 15 में और 16 में दोनों में ही दिया है, 17 में जो है अस्पृश्यता के बारे में दिया है। ये तीनों को मिला करके दोस्तों इससे जो पूरी पावर है वो इसको मिलती है। इसको शक्ति कहां से प्राप्त होती है? वहां से। क्योंकि अगर एक तरफ आप देखेंगे तो जाकर कोई जानता होगा जो संविधान का विशेषज्ञ होगा वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं तो भगवान से कृपा करूंगा कि आप लोग को प्री निकले मेंस निकले आप इंटरव्यू तक पूछें, लेकिन मान लीजिए कि इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति ये जो अधिनियम है आपको नहीं लगता कि ये संविधान के समता के अधिकार का उल्लंघन करता है, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये बस ध्यान में रखना कि जो समता के अधिकार के बारे में पूछता है ये जो है, अब अगर ऐसा क्रॉस क्वेश्चन किया तो आप क्या जवाब देंगे? तो आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 14 का जो वो मिला करके है ये पूरा जो है समता के अधिकार, इनके ही सब क्लॉज में ये बात दी गई है कि राज्य ऐसी व्यवस्था कर सकता है स्पेशल किसके लिए, महिलाओं के लिए भी वहां पर बात कही गई थी एक जगह, यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी कही गई थी, पिछड़ा वर्ग के लिए भी कही गई थी, ओबीसी जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसको शक्ति कहां से प्राप्त है, वहां से प्राप्त है, मैक्सिमम टाइम वो है। उसके बाद कुछ और भी है जैसे 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है आरक्षण की बात की गई है वहां पर, ऐसे बहुत सारे अधिनियम है जहां अलग अलग जगह पर लोकसभा में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति जनजाति के लिए आरक्षण की बात की गई है जाति और जनजाति के लिए, ये सब ध्यान में रखिएगा। तो एक पहला क्वेश्चन यही था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जो है इसमें ये पूछा गया था कि ये शब्द को लेकर के क्वेश्चन बना था, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अंतर्गत ये जो शब्द है जो ब्रैकेट में, आपने ध्यान से देखा नहीं शायद, एक बार इसको देख लीजिए कि ये ब्रैकेट में है ना, अत्याचार निवारण के लिए, किसके लिए है? अत्याचार निवारण के लिए। अगर ये शब्द हटा दें इससे हम, ठीक है दोस्तों, इसको हम हटा दें अत्याचार निवारण को, तो आप सोचिए कि क्या होगा, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989, बात समझ में आएगी किसके लिए है? बस ये समझ में आ जाएगा कि इनकी जातियों के लिए विशेष उपबंध है, लेकिन क्या है ये नहीं मालूम, इसलिए ये शब्द को स्पेशल एक क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था MPPCS में। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो इसको ध्यान में रखना, इसको दिमाग में डाल लीजिए, अत्याचार निवारण, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है किस सन का है, क्या दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन बनता है सन कौन सा है, किस सन का है? तो 1989 का ये एक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दिमाग में डाल लीजिए, मैं पढ़ाते समय आपको क्वेश्चन सीधे सीधे बता रहा हूं। तीसरा बात क्या है, तीसरा क्वेश्चन बनता है इसका अधिनियम क्रमांक क्या है, तो ये अधिनियम क्रमांक 33 है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या होता क्या है भाई, ये 33 हर एक्ट के साथ होता है, कोई भी एक्ट पढ़िए ऐसा कोई एक्ट नहीं है जिसके साथ ये अधिनियम क्रमांक ना हो, हर किसी के साथ होता है, ठीक है। आईपीसी के साथ भी होगा 40 है, और किसी के साथ टीपीए संपत्ति अंतरण अधिनियम है, और है कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं है, ठीक है, वो संविधान है, वो कोई अधिनियम नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये 33 है, ठीक। अब इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको बता दूं, ये क्यों 33 है, यहाँ पे 34 क्यों नहीं है, 36 क्यों नहीं है, 40 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। बात समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1989, जिस सन में ये ड्राफ्ट किया गया लोकसभा में रखा गया उस सन में ये किस क्रमांक पे रखा गया। मान लीजिए कि साल में भाई 12 महीने होते हैं ना, ठीक। अब ये जिस समय रखा गया था उस समय उसके पहले, यानी कि ठीक उसके पहले ड्राफ्ट में कुछ एक्ट और होंगे, तो इससे पहले 32 एक्ट और रहे होंगे जो इसके पहले होंगे, जो पास होने के लिए लोकसभा में रखे गए होंगे। ये 33वें नंबर पे रखा गया, इसलिए 33वें नंबर पे रखने का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, ये 33वें नंबर पे इसीलिए रखा गया। अब ये बात ध्यान में आ जाएगी ना, ये क्वेश्चन पूछे कि क्रमांक अधिनियम क्रमांक कौन सा, तो 33 बताइएगा, ध्यान में आ गया कि क्यों 33 है, तो उस नंबर पे रखा गया 33वें नंबर पे, 34वें पे रखा है तो 34 हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये 1989 ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन बता दिया, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये तीन चीजें दिमाग में डाल लीजिए, बेसिक चीजें ये पूछी जाती हैं, ठीक। अब चलते हैं उद्देश्य पे, हर अधिनियम का एक उद्देश्य होता है। मेरे अगर पुराने आप वीडियोस देखेंगे तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू किया था तो उद्देशिका वाले में ये बात क्लियर कर दी थी कि बिना उद्देश्य के कोई अधिनियम बनता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बिना उद्देश्य के नहीं बनता है अधिनियम, तो उद्देश्य तो कुछ ना कुछ रहा होगा,
उद्देशिका में कभी संशोधन किया जा सकता है, ये भी संविधान वाली बात में मैंने क्लियर कर दी थी जब बताया था आपको। अब यहां एक बार और बात करते हैं इसके बारे में, इसकी उद्देशिका से भी एक प्रश्न बन जाता है कभी कभी, तो वो आप समझ लीजिए क्या है। तो संविधान अधिनियम लिखा हुआ है, अधिनियम का उद्देश्य क्या है, अधिनियम का उद्देश्य, अब इसको आप एक बार रीड करेंगे क्या है, इसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर, किस पर, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एससी और एसटी, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, इनके सदस्यों पर यानी इनके जो सदस्य होंगे जो इस जाति से बिलोंग करते हैं जुड़े हुए हैं उन पर अत्याचार का अपराध करने के निवारण, निवारण माने रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, निवारण करने के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए, विचारण माने ट्रायल कोर्ट में चलता है ना इसका, तो विचारण के लिए विशेष, एक शब्द समझिए, ये रेड मैंने किया है, इसका मतलब कुछ और है, अभी बताता हूं क्या है, विशेष न्यायालयों और, ठीक है, विशेष न्यायालयों और अनन्य न्यायालयों, ठीक है, विशेष और अनन्य विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास माने उनको बसाने के लिए। अभी एक बार रीड करके आपको समझाता हूं, ठीक है, क्या है, तथा उससे संबंधित और उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम है। यह क्या है पूरा, यह उद्देश्य है। आप समझिए देखिए क्या क्या इसमें विशेष है, इसमें विशेष है विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों, यानी कि स्पेशल कोर्ट्स हो इस अधिनियम के लिए, जो पीड़ित लोग हैं इनके लिए एक अलग कोर्ट है। आप लोग कोर्ट में अगर जाएंगे तो देखेंगे कई जगह, ये पूरे देश में ही लगभग व्यवस्था है कि एक जो है कोर्ट रूम होता है एससी एसटी के लिए अलग से, आप सीधे कहते हैं वो एससी एसटी न्यायालय है, ठीक है, आजकल अलग अलग विषय के लिए अलग अलग बनता है, जैसे आजकल जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट, एफटीसी का नाम सुना होगा आपने, फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं, वो क्या है, वो जो है रेप से रिलेटेड जो घटनाक्रम लगातार देख रहे हैं आप कितना जघन्य हो रहा है, आप लोग को मालूम है हैदराबाद जैसी घटना हुई, तो ये जो इतनी जघन्य अपराध हो रहे हैं इसके लिए कोर्ट क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कुछ नया करें, जल्दी से न्याय मिले, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप न्याय में देरी होती है तो ये माना जाता है कि न्याय प्रदान ही नहीं हुआ, ठीक है, ये जो एक थॉट्स है, एक विचार है कि जस्टिस डिलेड बाय जस्टिस डिनाई, यानी कि जो है अगर जो न्याय है वो देर में मिलेगा तो वो एक तरीके से माना जाएगा कि न्याय ही नहीं मिला, ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये अधिनियम इसलिए बनाएगा और विशेष न्यायालय इसलिए बनाए जाएंगे, ये 2016 ये जो रेड लाइन है पूरी, ये दोनों शब्द विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालयों का, ये चीज को बीच में इंसर्टेड किया गया है, इंसर्टेड माने क्या किया गया है, इसको प्रतिस्थापित, ठीक है, इसको डाला गया है बीच में अलग से 2016 के संशोधन से, संशोधन 2015 में हो गया था लेकिन वो लागू 2016 से हुआ है दोस्तों, इसलिए कंफ्यूज मत होना, कई बार कह देंगे अरे 15 में संशोधन हुआ था सर 16 कह रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, अभी वो भी क्लियर कर दूंगा डाउट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इंसर्टेड किया गया विशेष न्यायालयों के लिए। अब देखिए और क्या बात कही गई है, अगर उद्देशिका को आप समझ लेंगे तो जो घुमा के क्वेश्चन आते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे, क्या घुमा के क्वेश्चन उसको समझिए क्या क्या बात कही गई है। एक क्वेश्चन आया था इससे पिछली बार कि उद्देशिका में क्या क्या बात कही गई है, इस अधिनियम की उद्देशिका में किन किन चीजों को लिया गया है, तो पहली बात तो क्या है, उनके ऊपर जो है क्या होना चाहिए, उनके अपराधों के निवारण की व्यवस्था, किसकी, अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर जो अपराध किए जाते हैं उनके निवारण की व्यवस्था, दूसरा उनके पुनर्वास की व्यवस्था, ठीक है, और उनसे जुड़े अनुषांगिक विषयों के, उनसे जुड़े अनुषांगिक का मतलब होता है जुड़े हुए, ठीक है, एक तरीके से तो अनुषांगिक जो विषय हैं उनसे रिलेटेड, उनके खेत से रिलेटेड होंगे, उनसे और चीजों से रिलेटेड होंगे, ऐसी चीजों पर रिलेटेड सारे विषयों के उपबंध करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। आगे बात ध्यान में क्लियर हो गया ना, यहां तक ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आकर इस तरीके देखें तो क्या है, जातियों के सदस्यों के अत्याचार नंबर एक कर लीजिए, ठीक है, अत्याचार निवारण के लिए, ठीक है, एक बात, दूसरा अपराधों के विचारण के लिए दूसरी बात, ठीक, तीसरा अपराधों के पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत देने के लिए तीसरी बात, राहत माने क्या, जिस व्यक्ति के ऊपर ये एक्ट लगता है और वो दोषी करार दिया था तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाता है कोर्ट, तो जो जुर्माना लगाता है उसका पैसा किसको दिया था, इन पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो राहत हुई ना कि राहत दी गई, तो वो पैसा जो है उनको राहत के तौर पर काम करता है, तो ये तीन बात हो गई, चौथा पुनर्वास की बात हो गई, चार बातें हो गई, ठीक है, और उनसे जुड़े पांचवी बात हो गई, ये विषय उनसे जुड़े अन्य विषयों की बात हो गई, तो ये पांच बातें ध्यान में रखेंगे तो जब क्वेश्चन आएगा कि इसकी उद्देशिका में किस किस चीजों को सम्मिलित किया गया है, क्या क्या रखा गया इस दायरे के अंदर, तो ये सब बातें रखी गई हैं, ये क्लियर हो जाएगा आपका। अब कुछ बात और समझा देता हूं आपको,
इसके आगे समझिए, इसके आगे कहा गया है दोस्तों कि ये जो पूरी बात है क्या था कि एक समय पहले तक, अब आज के समय में अभी भी है ऐसा नहीं है लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, एक समय पहले तक जब हम लोग आजादी के कुछ समय बीते थे तब तक जो है देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था, उनको अछूत के तौर पे माना जाता था। इसलिए जब संविधान बना तो बाबा साहब ने अस्पृश्यता को, छुआछूत को अनुच्छेद 17 में डाला और बाद में उन्होंने खुद इस बात को कहा कि ये संविधान का कलंक है, कि हमारे देश में हमको ये अफसोस करने की बात है कि ये हमारे संविधान में डाल दिया गया कि एक मतलब हमारे देश इतना बुरा है कि हमको इसके लिए प्रोविजन करना पड़ रहा है, इसको हम ऐसे भी समाप्त नहीं कर सकते, इसके लिए प्रोविजन डालना पड़ रहा है, ये बहुत बुरा था। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए अस्पृश्यता अगर कोई करेगा तो फिर उसके लिए जो है अस्पृश्यता अधिनियम, जिसको हम लोग सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट भी बाद में कहते हैं 1955, उसमें उसके लिए व्यवस्था की गई, उसी से जुड़े ये भी व्यवस्था की गई कि इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, इनके खेत पे कब्जा कर लिया जाता था, इनको मार के भगा दिया जाता था, इनको जो है गलत वो क्या नाम है खिला दिया जाता था, गंदा चीज़ें जबरदस्ती इनके साथ ऐसा किया जाता था। यहाँ तक नहीं दोस्तों, यहाँ तक नहीं, इनके साथ ऐसी ऐसी भी बात हुई कि जिसको मैं कह भी नहीं सकता हूँ, इतना बुरा इनके साथ हुआ दोस्तों। तो ये सब मिला करके जो है इनके लिए व्यवस्था की गई 1989 में। आप सोचिए कि कब 46 साल बाद इनको जागने की जो बात हुई, ठीक है, इतने समय आज़ादी के बीतने के बाद भी इनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था, तो सरकार ने 1989 में जैसा आप देख रहे हैं ये अधिनियम पारित किया और ये इनके लिए व्यवस्था हो गई। तो ये पांचों पॉइंट जो मैंने बताए इसको दिमाग में डालिएगा। अब चलते हैं आगे, देखिए क्या है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मैंने जो है इसलिए इंसर्टेड किया है, ये बहुत जरूरी थी तो मैंने कहा एक बार आपको बता दूं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या है, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, तो सबसे पहली कौन सी है, पूछा जाता है अधिनियम प्रारंभ की तिथि क्या है। हर अधिनियम में दो तिथियां कंपलसरी होती हैं, एक को कहते हैं कमेंसमेंट, दूसरे को कहते हैं एनफोर्समेंट। क्या कहते हैं, एक को कहते हैं प्रारंभ की तिथि, दूसरे को कहते हैं प्रवर्तक की तिथि। अब दोस्तों इन दोनों में भी अंतर होगा, आपको समझा दे रहा हूं, यह भी आपके बेसिक काम का भविष्य में काम आएगा। क्या क्या, एक तो है प्रारंभ की तिथि, किसकी तिथि, प्रारंभ की तिथि। दूसरा क्या है, देखो यहां लिखा प्रारंभ की तिथि और प्रवर्तन की तिथि। ठीक है दोस्तों, होता क्या है ये प्रारंभ और प्रवर्तन, आप कहेंगे यार एक ही तो बात है, ये भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो होता क्या है, देखिए एक है 11 सितंबर 1989, जब आप इसका बेयर एक्ट देखेंगे, बुक जो होती है इसकी बेयर एक्ट देखेंगे, उस बेयर एक्ट में आपको दिखाई देगा कि ये जो है राइट हैंड साइड पर ऊपर लिखा होगा, ठीक, ये है 11 सितंबर 1989, यानी कि इस दिन ये इस पर जो है राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे, जिस दिन राष्ट्रपति साइन करता है वो डेट होती है ये, करेक्ट। दूसरी तिथि है, दूसरी डेट होती है प्रावर्तन की तिथि, जिस दिन जनता पे लागू हो गया। प्रावर्तन का मतलब होता है प्रवृत्ति या प्रावर्तन, इसका मतलब होता है जिस दिन जनता पर ये लागू हो गया। तो दोस्तों ये दोनों तिथि ध्यान रखिए, 11 सितंबर 1989 को ये बन के तैयार हो गया था ये अधिनियम, और बाद में 30 जनवरी 1990 को ये अधिनियम जो है जनता पर प्रवृत्त कर दिया था। देख लीजिए कितना ध्यान से, कब बन के तैयार हो गया था, 11 सितंबर 1989 और 30 जनवरी 1990 को ये क्या हो गया था, जनता पर प्रवृत्त हो गया था। अब आप समझिए इस बात को, जैसे संविधान को आपको पता है ना 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन प्रवृत्त कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो एक निश्चित डेट सरकार तय करती है, संसद तय करती है हमारी, कि इस दिन से जनता पर लागू होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट डेट है, आपकी परीक्षा में आई है, आगे पिछले आपके अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आई है, तो इन दोनों डेट को याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये मैंने और डेट डाली, ये डाली है, ये देखिए क्या है, संशोधन अधिनियम 2016 लिखा है, ये संशोधन 15 में ही हो गया था लेकिन जनता पे 16 से लागू हुआ, इसलिए मैंने 2016 लिखा है दोस्तों। अब देखिए ये एलएस का मतलब है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में ये अधिनियम 4/8/2015 यानी 4 अगस्त 2015 को लोकसभा में पास कर दिया गया था। इसमें ये बड़ा आसान प्रोविजन था, संशोधन क्यों किया गया, इस एक्ट को और कठोर बनाने के लिए, क्योंकि 1989 में जो है 1989 में ये एक्ट जब बना, उसके बाद भी ये किस लिए बना था भाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर, एससी एसटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए बना, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे, तो लगा कि इसको और कठोर कर देना चाहिए, समाप्त नहीं हो रहे इन पर अत्याचार,
तो सरकार ने 2016 में संशोधन किया, तो वो संशोधन के जो ड्राफ्ट था, संशोधन का ड्राफ्ट यानी जो बिल था, विधेयक था संशोधन का, वो लोकसभा में रखा गया था 4 अगस्त 2015 को लोकसभा में पास किया गया, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा, ये आरएस मतलब है राज्यसभा, राज्यसभा में 21 दिसंबर, कितना, 21 दिसंबर 2015 को राज्यसभा में पास किया गया ये, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने 31 दिसंबर 2015 को सहमति दे दी, साल खत्म हो गया 31 दिसंबर 2015, इसके बाद तो 1 जनवरी 2016 आएगा ना, तो ये 31 को खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये जनता पर कब लागू किया गया, 2016 आ जाएगा, जब राष्ट्रपति 31 दिसंबर को साइन देगा तो रात को 12 बजे के बाद ये अधिनियम लागू होगा, तो वो 16 हो जाएगा, अगले साल में चला गया, तो अगले साल में जो है तुरंत उसको लागू ना करा के संसद ने एक डेट निश्चित कर दी, कब से, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी 2016 को। तो अगर कोई पूछे ये क्वेश्चन आकर परीक्षा में बने कि किस दिन से संशोधन अधिनियम 2016 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2016 संशोधन लागू हुआ, तो डेट 26 जनवरी 2016 याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक ये क्लियर हो गया अधिनियम की डेट। अब ये अधिनियम 2018 में भी हुआ, ये 18 वाला, इसको बताने के पहले मैं घटनाक्रम आपको बता दे रहा हूं। घटनाक्रम ये है कि इसका नाम डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर, इसको समझने के लिए बता दूं, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन जो व्यक्ति थे, इन्होंने जो है ये महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध में था, इस केस में अपील की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने, इस केस में जब अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य गाइडलाइंस इसी केस की दी थी, ठीक है, ये क्रिमिनल अपील हुई थी, ये कुछ घटनाक्रम रही होगी कि व्यक्ति दुखी था, प्रताड़ित था इसी SC ST से। ऐसा नहीं है कि हर SC ST के व्यक्ति के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, कई बार राजनीतिक कारण से भी जो है लोगों पर ये लागू हो जाता है। लोगों पर क्या करते हैं, कोई SC ST का है और झगड़ा हो गया तो जबरदस्ती उसने लिखवा दिया, बोले साहब इसने मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, और उस पर FIR हो जाती थी। इस अधिनियम का जो 1989 का अधिनियम है, इस अधिनियम का 18 जो धारा 18 थी वो कहती थी कि FIR दर्ज होते ही पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है, उसके लिए किसी स्पेशल ऑर्डर की जरूरत नहीं थी। तो लेकिन ऐसा किया गया, सुप्रीम कोर्ट में ये पाया गया कि इस प्रकार के 90% मामलों में अंतिम निर्णय में दंडित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि दोषी हो ही नहीं रहा है, एविडेंस नहीं है, इस प्रकार का सबूत नहीं मिलता है कि वो दोषी करार दिया जा सके। इस अगर जब इस प्रकार की बात होने लगी, कोर्ट ने कहा कि अगर ये सिर्फ 10% मामले ही सही हैं और बाकी वो हैं, तो आप जो है प्री गिरफ्तारी करके, जिसको प्री गिरफ्तारी का मतलब FIR दर्ज होते गिरफ्तारी मिल जाए, इस प्रकार की प्री गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए इस अधिनियम में, ये उसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी। तो भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सारे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानते हैं, तो क्या हुआ कि सरकार से, आपको पता भी होगा कि 2018 अप्रैल में पूरे देश में बड़ा बवाल हुआ था इसको लेकर के, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों ने बहुत जो है इसका विरोध किया था कि नहीं, हमारे पास एक सेफ गार्ड था हमारे लिए बचने के लिए, लोग हमको प्रताड़ित करते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो संसद तुरंत, जब ये हालत देखी कि इतना विरोध हो रहा है, संसद तुरंत एक्शन में आई और जो है तुरंत बाद उन्होंने इसमें 2018 में एक संशोधन कर दिया। अब ये संशोधन क्या है देख लीजिए, ये डेट देख लीजिए पहले, संशोधन की क्या क्या है, अगर पूछा जाए 2018 में संशोधन किया गया तो डेट क्या है, तो बता दे रहा हूं, लोकसभा में जो पास हुआ था वो 6 अगस्त 2018 को लोकसभा में पास हो गया था, और 9 अगस्त 2018 को जो है वो राज्यसभा में पास हो गया था, ठीक है, 6 अगस्त 2018 और 9 अगस्त 2018 ये आपको ध्यान में रखना है, 6 और 9 अगस्त, ये अगस्त घटना ऐसे याद कर सकते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, वो दोनों डेट यही है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा 6 अगस्त और 9 अगस्त 2018 में, ठीक, वो 1949 की घटना थी, 1945 की घटना थी, और यहाँ 18 की घटना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इन्फॉर्म ये, फिर उसके बाद क्या है, इन्फोर्समेंट हुआ, यानी प्रवर्तन की तिथि, जनता पे ये संशोधन अधिनियम था कब से लागू हुआ, ये 20 अगस्त 2018 को लागू हो गया, 9 को पास हुआ और 20 को लागू हो गया, इसके मतलब कि इसी के बीच में राष्ट्रपति ने उसको सहमति भी दे दी होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखिएगा, 19 को सहमति भी दे दी गई थी और वो लागू हो गया था 20 तारीख को, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक। तो यहां तक ये क्लियर हुआ आपका, ये केस का नाम वैसे तो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए याद रहे, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ मजुमदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि इन महाशय की ही वजह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में इस एक्ट में धारा 18A नई धारा,
जुड़ गई थी 2018 में, मात्र एक धारा जुड़ी थी वो यही है, ठीक है, 2018 इस अधिनियम में। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, इसके आगे देखिए, इस एक इंट्रोडक्शन पार्ट दे दे रहा हूं, दिमाग में आ जाएगा अगर आपसे पूछे, क्योंकि 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि इस अधिनियम में कुल धाराएं कितनी है, ये क्वेश्चन आया था सीधे, तो इसमें कितनी धाराएं हैं देख लीजिए, एक समझने की बात है, कुल 23 धाराएं हैं इसमें, कितनी धाराएं हैं, कुल 23 धाराएं, ए बी को नहीं गिना जाता है, जैसे 14 ए जुड़ गई, ठीक, इसी तरीके से 14 ए जुड़ गई, या इस तरीके से 15 ए जुड़ गई, 18 ए जुड़ गई, इस प्रकार की जो धाराएं हैं, इन धाराओं को जो है उसी के अंतर्गत गिना जाता है, लेकिन इसमें कुल 23 धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं, एक से लेकर के 23 तक, कितनी धाराएं हैं, एक से लेकर 23 तक धाराएं हैं, ये 5 अध्याय हैं इसमें, जो ये 23 धाराएं ये 5 अध्याय में डिवाइडेड है, मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार समझने के लिए, प्रारंभिक में किसी भी एक्ट को दोस्तों, किसी भी कोई भी एक्ट हो, अगर पूरा पूरा दिमाग में डालना तो यही तरीका है याद करने का, कोई भी आपको घोट के नहीं पिला सकता, ये सबसे आसान तरीका है, इसी तरीके से याद होगा, आप पहले चैप्टर्स तोड़ लीजिए, चैप्टर वाइज याद करिए, चैप्टर याद होंगे तो धाराएं अपने आप याद होने लगेंगी, ठीक है, तो प्रारंभिक में क्या है, धारा 1 और 2, ठीक है, प्रारंभिक का मतलब होता है हर एक्ट का परिचय, ठीक है, परिचय की बात होती है, तो धारा 1 में जो है 3 उपधाराएं हैं, ये सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, ये बेसिक जान लीजिए कि उपधारा में इतने इतने हैं, ठीक है, उसके बाद अत्याचार के अपराध, यहां पर जो है सजा की बात की गई है, धारा ये जो अध्याय 2 है इसमें धारा 3 से 9 के बीच में सजा की बात की गई है, और किस प्रकार के अपराधों को इसमें सम्मिलित किया गया है, SC ST से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, वो सभी इसके अंतर्गत हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, अध्याय 3 है जो है निष्कासन की बात करता है, हटाने की बात करता है कि वो अध्याय वो अत्याचार कैसे रोका जा सकता है निष्कासित करके, उसकी बात करता है जो धारा 10 से 13 के बीच में है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अध्याय 4 कहता है विशेष न्यायालय, मैंने बताया ना उद्देश्य, अभी आपने उद्देश्य का जो बताई थी उसमें बताया था ना, विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय जो शब्द जुड़ा था वो 2016 में दोस्तों, 2016 में उसको जोड़ा गया था, 2016 में जोड़ने का जो शब्द हिंदी में प्रयोग होता है उसको कहते हैं प्रतिस्थापित, क्या कहते हैं उसको, प्रतिस्थापित कहते हैं। अभी मैं दोस्तों दो शब्द आपको बता दे रहा हूं, एक होता है प्रतिस्थापित, क्या होता है, एक होता है प्रतिस्थापित और एक शब्द होता है अंतःस्थापित, ठीक है, ये दो शब्द आपने सुने होंगे, ये आपने जब किताब पढ़ेंगे समझ में आएगा, प्रतिस्थापित और अंतःस्थापित। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि निश्चित धारा जो है, जैसे धारा मान लो 4 है, ये मान लेते हैं कि कोई एक धारा ले लेते हैं, इसको धारा समझते हैं, इसके ये है, इस धारा के बीच में कोई एक शब्द और जोड़ दिया जाए या कोई वाक्य जोड़ दिया जाए तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्रतिस्थापित कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित, वही धारा फैल गई आगे, ठीक है, बड़ी हो गई, लेकिन ये प्रतिस्थापित कहलाता है, लेकिन एक नई धारा ला करके उसके बीच में लगा डाल देना ये कहलाता है अंतःस्थापित। जैसे देखिए अध्याय 4 है और इसमें एक अध्याय जुड़ गया, तो ये अध्याय जुड़ा तो धारा भी 15 ए नई आ गई, तो ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अंतःस्थापित, और जैसे वो जो उद्देशिका में शब्द जुड़ा था वो कहलाएगा प्रतिस्थापित। ये दोनों क्लियर हो गया ना, दोनों शब्द का मतलब समझ गए, प्रतिस्थापित और अंतःस्थापित क्या होता है, तो ये इसलिए नहीं, आप भविष्य के लिए भी जानिए, आगे भविष्य में कोई काम आ सकता है, ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद चलता है देखिए आगे अध्याय, ये विशेष न्यायालय धारा 14 और 15 की बात करता है, सिर्फ विशेष न्यायालय क्या क्या करेगा, कैसे कैसे करेगा उसकी बात की गई है, ठीक है, कैसे स्थापना होगी इसकी। 4 ए कहता है पीड़ित और साक्षी के अधिकार, ये 2016 में जो है, ये भी पीड़ित और साक्षी के क्या अधिकार होंगे, तो पीड़ित और साक्षी के अधिकार, जो पीड़ित है उसको कोई अधिकार है क्या, पीड़ित को बाकी राहत मिलेगी लेकिन और अधिकार क्या है उसके पास, तो वो और साक्षी जो विटनेसेस हैं उसके लिए, जो गवाह होते हैं विटनेसेस होते हैं उनके लिए क्या अधिकार है, 15 ए में कहा गया है। इसके बाद अध्याय 5 जो है वो कहता है प्रकीर्णन यानी मिसकेलेनियस, अब जो छूट गया इनमें जो विषय, जो उनके साथ और व्यवस्था दी गई है वो जो इसमें नहीं डाली गई छूट गई, वो सारी कहां पे आ जाती है, 16 से 23 के बीच में। तो ध्यान में रखना दोस्तों, इसमें कुल 2 धाराएं हैं पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में 3 से 9 तक है, फिर जो है 10 से 13 तक तीसरे अध्याय में है, फिर 14 से 15 चौथे अध्याय में है, फिर एक नया अध्याय बीच में जुड़ गया 4 ए जिसमें सिर्फ एक धारा है 15 ए, और पांचवा जो है अध्याय उसमें 16 से 23 तक। ये एक बार पिक्चर दिमाग में ध्यान में रखिएगा, चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये कुछ एक मोटी मोटी बात है जिसको मैं आपको बता देता हूं, तो ये क्या है दोस्तों, भारत सरकार ने दलितों पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए अधिनियम बनाया था। इसका उद्देश्य जो है, बेसिक उद्देश्य क्या है ये मैं आपको समझा, वो देश का समझा दिए ना, उसी को सरल भाषा में समझिए। भारत सरकार ने दलितों पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 आ गया
अनुच्छेद 17 के आलोक में यह विधान पारित किया था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इस अधिनियम में छुआछूत संबंधी अपराधों के विरुद्ध दंड में वृद्धि की गई थी। ठीक है, तथा दलितों पर अत्याचार के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध संज्ञेय, ये बात देखिए, ये क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार के वो अपराध माने जाएंगे, तो वो होते हैं संज्ञेय अपराध होते हैं, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। दूसरा गैर जमानती होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, गैर जमानती अपराध, तो जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, और तीसरे असुलहनीय होते हैं, किस प्रकार के असुलहनीय होते हैं, सुलह नहीं होती है उसमें। ठीक है, तीसरी बात इस एक्ट में एक और बात बता दूं, गैर जमानती में क्या नाम है 438 सीआरपीसी कहते हैं। ठीक, सीआरपीसी इसमें कहा गया है, अग्रिम जमानत की बात की गई है, जो इस अधिनियम में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, एफआईआर दर्ज हुई आप गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई पूरी बात यहां तक। ठीक ठीक दोस्तों, तो इसको अभी यहां पर रखिए, मैं इसके बाद आपको 2 मिनट के ब्रेक के बाद आपको पूरा आगे बताता हूं कि और एक्ट में इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है दोस्तों, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिसको बताना है, जैसे सजा कितनी है, एक क्वेश्चन बनता है सजा के ऊपर, आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि सजा कितनी मिलती है। सजा के ऊपर भी प्रोविजन है कि सामान्य आदमी जो अनुसूचित जाति और जनजाति का नहीं है उसके लिए क्या, और इसके अलावा और लोगों के लिए क्या, तो दो प्रकार के इसमें अपराध को 2 श्रेणी में बांट दिया गया, एक जो है कार्यों का उपेक्षा करना और एक डायरेक्ट अपराध करना। जो डायरेक्ट अपराध करता है उसके लिए मिनिमम 6 महीना, कम से कम 6 महीने सजा मिलेगी, अधिकतम 5 वर्ष हो सकती है, और जो अत्याचार नहीं कर रहा लेकिन कार्य की उपेक्षा कर रहा है ऐसे व्यक्ति को जो है मिनिमम 6 महीने तो मिलेगी, मैक्सिमम 1 साल की सजा मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ, इसके 2300 सेक्शन को एक बार रीड कराऊंगा, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।